देखो इसके बारे में एक गजब की हिस्ट्री है, बताता हूँ। दिल्ली में जो चावड़ी बाजार है और चांदनी चौक वाला इलाका है, वहाँ पर तवायफों का धंधा हुआ करता था, मतलब कोठे का धंधा। क्या दरअसल उस तरफ से हाँ जी क्या हाल चाल। आई विश कि आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो गए। तो दोस्तों बात है ऐसी कि मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, वीडियो वायरल हो नहीं रही, तो अब मैंने सोचा क्यों ना गिरजाघर चला जाए। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी चर्चा होती है, उसका जिक्र होता है। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ मेरठ से 40-45 किलोमीटर दूर सरधना, जहाँ एक गिरिजाघर है। गिरिजाघर मतलब चर्च, आप समझ ही गए होंगे हिंदी बोर्ड वाले। तो और मेरे साथ जा रहे हैं फिर से वही रत्नेश भैया, हमेशा की तरह उनकी बाइक में हम लोग हमेशा घूमते हैं। अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो मुझे रत्नेश भैया को कॉल करना होता है और भैया तैयार रहते हैं घर से निकलने के लिए। तो गाइस ये रहे हमारे रत्नेश भैया। रत्नेश भैया हेलो। वेल असुविधा के लिए खेद है क्योंकि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। हे गाइस ये रहा मैं, ये रहा कार्तिक, ये रही नई स्कूटी और एक नए टाइमिंग पे एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली पिछली बार मैं रत्नेश भैया के साथ गया था लेकिन संडे था, तो संडे के दिन उन्होंने 12:30 से पहले हमें अलाउ नहीं किया और हम 8 बजे पहुंच गए थे। तो फिर हमने कहा कि चलो प्लान कैंसिल करते हैं और अगले दिन चलते हैं। तो आज है आज क्या वैसे आज है फ्राइडे और मैं और कार्तिक फिर से सेम जगह जा रहे हैं, सेम ब्लॉग बना रहे हैं। जैसे जैसे हम चर्च की तरफ जा रहे हैं ना, थोड़ा डर भी लग रहा है कि यार कहीं बंद ना हो, मतलब बंद तो नहीं होता, खुला होता है, बस एंट्री मिल जाए हमें। भाई आ गए अंदर एंट्री दे दिए। तो गाइज अभी आपको जो सामने चर्च दिख रहा है, ये चर्च सिर्फ मेरठ में नहीं, इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। काफी ज्यादा मान्यता है इसकी, काफी दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। देखो पिछली बार हम लोग संडे को आए थे तब यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और हमें एंट्री भी नहीं मिली थी क्योंकि संडे को यहाँ पे प्रेयर होती है और गेट पे पता हमसे कहा गया कि अगर तुम क्रिश्चियन नहीं हो तो तुम अंदर प्रेयर नहीं कर सकते, 12:30 के बाद अंदर जाने को दे रहे थे, लेकिन हम 8 बजे पहुंचे थे सुबह। तो हमने कहा कि चलो अगली बार आएंगे। तो फिर आज है फ्राइडे और मैं और कार्तिक आए हैं दिन के 12:30 बजे, मतलब भरी दोपहरी में आए हैं, तो भीड़ भी कम है और अच्छे से रिकॉर्ड भी कर पा रहे हैं। देखो वो सामने रहा चर्च और उसके बाद यहाँ सामने पार्क है जहाँ पर संगमरमर से इस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये पूरी जो दीवार है यहाँ पर ईसा मसीह जो थे, यीशु, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है और उनकी पूरी जीवन काल को यहाँ दर्शाया गया है। देखो सामने माता मरियम की मूर्ति है जो कि ईसा मसीह की माँ थी। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि चर्च में यानी गिरजाघर में हमेशा कैंडल्स जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बर्थडे पे हम लोग कैंडल बुझाते हैं, फूक मारते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म से आया है ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब हम कैंडल बुझाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो कहते हैं कि भगवान यीशु की तरफ जाता है और इस वजह से उन्होंने कैंडल बुझाने की परंपरा की शुरुआत की थी। और आज के टाइम में देखो भाई पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ करी जाती है। देखो इसके बारे में एक गजब की हिस्ट्री है, बताता हूँ। तो जब पूरे भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और अंग्रेजों का शासन आने वाला था, उस टाइम पर दिल्ली के चावड़ी बाजार और चांदनी चौक वाले इलाके में कोठे हुआ करते थे। तो वहां पर एक 14 साल की लड़की हुआ करती थी फरजाना, जो बाद में बेगम समरू बनी। एक्चुअली में उस टाइम पे मुगलों की तरफ से एक सैनिक लड़ रहा था, कैप्टन सोमरे, और उसको फरजाना से प्यार हो जाता है। तो बाद में फिर उनकी शादी वादी होती है, मतलब वो फरजाना को लेके अपने साथ जाता है और फिर बाद में शादी करता है। बट कुछ टाइम बाद जब कैप्टन सोमरे की मौत हो जाती है तो उस टाइम पे कैप्टन सोमरे को मिला होता है ये सरधना वाला इलाका राज करने के लिए। तो जब कैप्टन सोमरे की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो फरजाना थी वो अपना नाम चेंज करती है, उनको बेगम समरू बोला जाने लगा था उस टाइम तक। और उसके बाद फिर वो यहाँ पे राज करती हैं, 6 दशकों तक राज करती है बोलते हैं, मतलब 60 साल तक राज करती हो। और उसके राज में कहा जाता है कि एक तो काफी खूबसूरत थी दिखने की और उसके अलावा उनके जो कद काठी था वो काफी छोटी थी, कि उनके लिए मतलब सैनिक ना एकदम किसी की भी जान लेने को तैयार थे, उतना तगड़ा राज करती थी वो यहाँ पे। तो बाद में वो यहाँ पर अपने जो पति थे कैप्टन सोमरे उसकी याद में ये चर्च बनाती हैं। और इसकी एक खास बात यह कि जब इसकी शुरुआत की गई थी बनाने की तो जो मुख्य मजदूर हुआ करता था, जो मेन आर्किटेक्ट हुआ करता था, उसको 25 पैसे की पगारी मिलती थी। सोचो आज के टाइम में कुछ होता है 25 पैसे का। और इतनी जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है कि आज तक इस पर एक भी खरोंच नहीं आया, मतलब पुराने लोग जो थे ना, पुराने जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे भाई, उनकी तो बात ही अलग। आज के टाइम तो हफ्ते भर में बने हुए पुल टूट जाते हैं, पता ही होगा आपको। चल कार्तिक एक बात बता, ठीक है, तू क्रिकेट खेल रहा है, तू पिछले 1 साल से तो जानता है मुझे, और पिछले 5-6 महीने से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो तूने कभी सोचा था कि तू एक दिन मेरे साथ ब्लॉग में आएगा?
पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी इमारतें हैं, उसका थोड़ा सा रंग फेड हो गया है, बट वो अभी पूरा शाइन मार रहा हो। तो कार्तिक बता रहा है कि भाई वो अभी नया नया बना रखा है इन्होंने, ये पुरानी इमारतें हैं तो थोड़ा सा फेड हो गई हैं, लेकिन आज भी टिकी हुई हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखो अभी मैं आया हूँ अंदर से, मतलब प्रार्थना वार्थना करके, ठीक है, प्रेयर करके, और अंदर एक अंकल जी मिले जिन्होंने इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इनका नाम बेगम सुमरो था, बचपन का नाम फरजाना, और जब इन्होंने अपना धर्म चेंज किया, पहले मुसलमान थी, फरजाना नाम से समझ गए होंगे आप, जब इन्होंने अपना धर्म चेंज किया उसके बाद इन्होंने अपना नाम रखा था यूहन्ना, तो इनको यहाँ पर यूहन्ना के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इन्होंने अंदर बेगम फरजाना के पुराने ज़माने के कपड़े दिखाए, वो बता रहे थे कि उस टाइम पर जो सोने का भाव हुआ करता था वो 14 रुपये तोला हुआ करता था। आज के टाइम पे सोचो भाई क्या भाव है सोने का, 14 रुपये तोला, सोच रहे हो? तो सोचो जब सोने का भाव 14 रुपये तोला हुआ करता था उस टाइम पे बेगम फरजाना के कपड़े थे 30,000 रुपये के। इसके अलावा हमें अंदर दिखाई बेगम फरजाना की पुरानी तस्वीरें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है और क्या, उनकी हाइट 4 फुट 8 इंच की थी, सिर्फ 4 फुट 8 इंच। तो अगर किसी की हाइट छोटी है तो भाई घबराओ मत, जिगरा होना चाहिए, तुम देश पे राज कर सकते हो। तो दोस्तों सामने है चर्च और उसके थोड़ा सा बगल पे यहाँ पे मिलेगा आपको टिकट घर, जहाँ पे मात्र 5 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा, जिसके बाद आप चर्च के अंदर जा सकते हो और चर्च के अंदर जो भी मूर्तियाँ वगैरह बनी है वो देख सकते हो। एक तो हम सही टाइम पे आए और उसके बाद हम सही टाइम पे एंट्री करी हमने भाई, 5 रुपये में अंदर एंट्री हो गई, और 1 बजे के आसपास अभी हम बाहर निकल गए, 1 बजे लंच होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट लोग जो भी आ रहे हैं वो 2 बजे के बाद अंदर जा सकते हैं। तो गाइस इस तरह से संगमरमर की मूर्तियां बनाई गई हैं सब जगह, और इस तरह से पूरा वो सामने रास्ता है जहाँ से हमने एंट्री किया, और पूरे रास्ते रास्ते आपको इस तरह से संगमरमर की मूर्तियां दिखेंगी जहाँ पर ईसा मसीह का पूरा जीवन काल दिखाया गया है। और जस्ट सामने आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा सुंदर सा चर्च, जिसके दर्शन करके आपको मजे आ जाएंगे भाई। भाई बहुत सही लग रहे कार्तिक, अच्छा आम, हाँ यार कोई तोड़ ही नहीं रहा ना। अगर कार्तिक तू 2-3 आम तोड़ के लेके आ गया तो मेरी तरफ से ट्रीट, कोई कुछ कहे तो तुम संभाल लिया, मैं तोड़ दूं चाहे। अगर तू पकड़ा गया तो मैं तो जानता ही नहीं तेरे को। अंजी मैं नहीं हूं इसके साथ। तो अंदर माता मरियम की मूर्ति थी, और जो अंदर हमें टूर करा रहे थे ना उन्होंने बताया, देखो यार 5 रुपये में टूर भी करा रहे हैं, पूरी डिटेल में बता रहे हैं अंदर जाने दे रहे, तो यार ये तो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। बट उन्होंने बताया कि जो अंदर माता मरियम की मूर्ति है उसके सामने अगर आप सच्चे दिल से अपने परिवार के लिए और अपने चाहने वालों के लिए अच्छे से प्रेयर करते हो, उनके लिए दुआ मांगते हो, तो वो आपकी दुआएं कंप्लीट करती है माता मरियम, और आपकी मतलब जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। तो अभी मैं तो मांग के आया हूँ भाई दुआएं, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ के लिए, अब देखते हैं पूरी होती है या नहीं। बाकी कार्तिक तूने कुछ मांगा? मांगा क्या? इसने कुछ नहीं मांगा, ये बोल रहा था कि भैया बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये अंदर जाके पंखे में बैठ गया। अंदर हवा तो ये थोड़ी है। क्या थी? अंदर ठंडी बढ़िया, बाहर गर्मी है, अंदर जाओ आराम से बैठ, थोड़ी देर कुर्सी पर बैठना है आज ये अंदर खाली बैठने के, इसको कोई मतलब नहीं है। देखो यार गर्मी में ब्लॉग बनाने का ना एक घाटा होता है, एक नहीं 2-3 घाटे होते हैं, सबसे मेन घाटा है कि स्किन पूरी काली हो जाती है, एक तो पूरा शरीर काला हो गया, ऊपर से पसीना आ रहा है, ठीक है, और फोन इतना गर्म हो रहा है ना, मतलब कोई हद ही नहीं, मेरे फोन की ब्राइटनेस नहीं दिख रही बिल्कुल भी, एकदम ब्राइटनेस पूरी डाउन हो रखी है, उजाला है ही नहीं मेरे फोन में, बट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी जब एडिटिंग करूंगा उस टाइम पे देखता हूँ कि क्या रिकॉर्ड हुआ है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया गया है, और फिर अभी तक का ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब मजा आया अंदर देख के, और इतना दूर आना वर्थ इट हुआ भाई, क्योंकि संडे को तो हम रह गए थे, ठीक है, संडे को रत्नेश भैया और मैं आए थे बट हुआ नहीं, बट आज कार्तिक के साथ आए तो दर्शन भी हो गए, घूम भी लिए और बहुत सारी नई बातें भी जान ली। कार्तिक तेरे को क्या अच्छा लगा भाई यहाँ पे? मुझे अच्छा लगा सिर्फ एक चीज, आम पेड़ों पे आम इतने सारे यहाँ। कार्तिक का अभी तक पूरा ध्यान आम पे ही है, उसे कुछ और नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कार्तिक नहाएगा? नहा मैं तैरना, तैरना नहीं आता? अरे यार